वेल बेबी क्लिनिक जो है तो ये एक मशावरती क्लिनिक है। जब ये नहीं था तो पहले माओ को बहुत ज़्यादा मसले थे, वो लोगों का हॉस्पिटल में आना जाना इतना ज़्यादा नहीं था। अब जब वेल बेबी क्लिनिक बना है तो लोग बिला झिझक यहाँ पे विज़िट करते हैं, स्पेशली माएँ, और उनके साथ हम हेल्थ एजुकेशन, माओ को हेल्थ एजुकेशन देते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं, इसके अलावा हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उनको बताते हैं, इसके अलावा हम न्यूट्रिशन के बारे में माओ को आगाही देते हैं। इसके साथ साथ बच्चे का मुआयना भी करते हैं। अगर बच्चे में कोई बीमारी या हो या कोई मसला हो तो फर्दर हम पीडियाट्रिशियन को रेफर करते हैं। बेबीज आर रेफर्ड टू अस एंड वी एडमिट देम डायरेक्टली टू NICU। इट वाज वेरी पेनफुल टू रेफर सच पेशेंट्स टू टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। लाइक दीज आर पेशेंट्स ऑफ बर्थ एस्फेक्सिया, सेप्सिस, न्यूनेटल जॉन्डिस, दीज फैसिलिटीज नॉर इक्विपमेंट्स फॉर अवेलेबल विद अस। USAID has done this in a dramatic way, providing such equipment, such training, and delivering such training to our staff and doctors, that they have trained us and given us the equipment so that we can manage it here in the THQ level. मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार था तो मैं वेल बेबी क्लिनिक में आई, इसको मैंने वहाँ दिखाया, उन्होंने जल्दी से इसका चेकअप किया और फिर इसको ICU में रेफ़र कर दिया। वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एडमिट कर दिया। ये शीशे में रहा ICU में 2 दिन। तो अगर खुदा ना खास्ता ये वेल बेबी क्लिनिक वेलफेयर ना होती तो मुझे प्राइवेट जाना पड़ता, जहाँ पर डे 5000 लेते हैं शीशे का, बच्चे का 1 दिन का। और यहाँ मुझे बिल्कुल फ्री ये सहूलत मिली है और मेरा बच्चा शीशे में रहा है, उसको हीटर सारा कुछ, ड्रिप्स और जो टीके वगैरह थे वो सारे डॉक्टर बार बार आते थे, उसका चेकअप करते थे, बहुत केयर किया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया उन स्टाफ का, उन सब लोगों का। आज मेरा बेबी डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है और बिल्कुल ठीक, मैं इसको घर लेकर जा रही हूँ। हमारी लेबॉरेटरी फुल रिनोवेशन इन्होंने की है, हमारी कैजुअल्टी में इन्होंने फुल रिनोवेशन की है, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स अप टू इक्विपमेंट्स। और हमारी मेन ओटी में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल का एक रूम डेवलप किया है, जो हमारी गायनी डॉक्टर्स उनको अवेल कर रहे हैं। और उसमें एवरी स्टार्टिंग फ्रॉम द उसकी लैमिनर फ्लो के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, उस टेम्परेचर बैलेंस के लिए जो काम उन्होंने किए हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो इन सारे कामों से हमारे हॉस्पिटल का एक बेहतरीन इमेज बना है पब्लिक में। तो वो आते हैं, देखते हैं, अवेल करते हैं फैसिलिटी को और हमारे हॉस्पिटल की तारीफ करते हैं।